दोस्तों आज ये जो वीडियो आप लोग इन तक देखोगे तो एक चीज तो क्लियर हो जाएगा कि आप लोग का जो माइंड सेट है वो बदल जाने वाला है। आप लोग की ट्रेडिंग जर्नी, जो ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं ना हम लोग, उस जर्नी में बहुत कुछ ऐसा चेंजेज आने वाले हैं जो आपकी जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। आज मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूँ कि डेटा के एनालिसिस को देखकर अपने ट्रेडिंग जर्नी को कैसे ग्रो कर पाएंगे। आज आप यह सीखने वाले हैं कि मार्केट में बिग प्लेयर, जिसको हम लोग ऑपरेटर कहते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं और हम रिटेलर क्यों नुकसान में है। आज एनएससी के डेटा के तहत लगभग 10 में से 9, 90% लोग लॉस कर रहे हैं। तो ये 10% कौन है, ये कौन सा छुपरुस्तम है जो हमारे इस मार्केट के सभी रिटेलर के पैसा को उड़ा के ले जा रहे हैं। तो दोस्तों इस बिग प्लेयर के विषय में, जो कि ऑप्शन के ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हीरो है और सबसे बड़ा बिलियन भी है, नाम है उसका ऑपरेटर, उसके विषय में, उसके माइंडसेट के विषय में आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मेरा जो 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, कैसे मैंने लॉस से प्रॉफिट की जर्नी को कंप्लीट किया, उसके विषय में बताऊंगा और ऑपरेटर के एक एक चाल के विषय में, डेटा के साथ में, लाइव के साथ में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो ये सारी जो ऑपरेटर की स्कीम्स है, ऑपरेटर के जो चाल्स हैं, उन सब चीजों को मैं डिटेल्स में अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाने वाला हूं। चलते हैं हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर। दोस्तों आगे हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर, एक बात बड़े बुजुर्गों ने कही है कि अगर पानी में रहना है तो हमें मगरमच्छ से दोस्ती करनी पड़ेगी, पानी में रहना है तो हमें मगरमच्छ से दोस्ती करनी पड़ेगी। ये मगरमच्छ, ये पानी का जो कंसेप्ट है ना, मगरमच्छ और पानी का जो कंसेप्ट है, बहुत ही पुरानी बातें हैं। क्या है पानी, कौन है पानी, पानी मतलब कौन है, पानी मतलब जहाँ पर एक शेयर मार्केट है, हमारा जो शेयर मार्केट है वो पानी है। मगरमच्छ कौन है, जो छोटी छोटी मछलियों को, कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, ये मगरमच्छ है हमारा ऑपरेटर। कौन है हमारा ये ऑपरेटर। और छोटी छोटी मछली कौन सा है, हम सभी रिटेलर जो एक दूसरे को जानते नहीं है, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैले हुए हैं, बट ऑपरेटर बहुत गिने चुने हैं। ये जो ऑपरेटर है क्या करते हैं, हम जो भी कुछ प्रॉफिट या लॉस करते हैं, हम मार्केट में जो भी कुछ प्रॉफिट करते हैं या लॉस करते हैं, उसके पीछे रीजन क्लियर है कि अगर हम प्रॉफिट करते हैं तो कोई भी बंदा लॉस करता है, अगर हम लॉस करते हैं तो कोई भी बंदा प्रॉफिट करता है। ये जो लॉस और प्रॉफिट का रेशियो है, ये काफ़ी डिफरेंट है। जैसे कि एनएससी के डेटा में बताया गया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग जो है सो लॉस करते हैं, 90% लॉस करते हैं, और सिर्फ 10% लोग ही प्रॉफिट करते हैं। ये 10% कौन है, ये 10% हमारा ऑपरेटर है। 10% कौन है, ये हमारा ऑपरेटर है, ये हमारा ऑपरेटर है। और हम 90% कौन है, ये रिटेलर है, रिटेलर है। ये 90% जो लोग हैं, ये 90% जो लोग हैं, जो रिटेलर जिसको बोलते हैं, ये सब हम सब हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं है, पूरे विश्व में फैले हुए हैं, किसी से कोई परिचय नहीं, बट ये ऑपरेटर, बट ये जो ऑपरेटर है इनको हम जानते हैं। ये कौन है, ये फाइज है जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, डीआईज हैं, एचएनआई है, और हमारा प्रो ट्रेडर। प्रो ट्रेडर के विषय में आप लोग जानते होंगे, प्रो ट्रेडर क्या होता है, जैसे हमारा जीरोधा है, एंजल है, अपस्टॉक है, ये जितने सारे बड़े बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाते हैं ना, ब्रोकर हाउसेस हैं, इन लोग पास भी बहुत बहुत पैसा है। तो ये लोग भी एक प्रो ट्रेडर है जो मार्केट को अपने हिसाब से कई बार मूव करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये बहुत बिग प्लेयर्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बहुत बिग प्लेयर्स होते हैं, इनको तो हम लोग हरा नहीं सकते हैं, हम किसी मगरमच्छ को तो हरा नहीं सकते हैं, बट अगर मछली मतलब हम लोग रिटेलर अगर उस मगरमच्छ से दोस्ती कर ले, अगर उसके एक्टिविटी को हम लोग भाप ले, अगर एक्टिविटी के साथ हम लोग काम करना चालू कर दे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें वो मगरमच्छ नहीं खाएगा और अपने साथ जहाँ भी जाएगा वो हम लोग को ले चलेगा। तो इस ऑपरेटर के साथ मिलकर हमको चलना पड़ेगा। इस ऑपरेटर के साथ मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटर के बिहेवियर को, ऑपरेटर के चाल को, ऑपरेटर के माइंड सेट को समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर करते कैसे हैं। ऑपरेटर और रिटेलर में बहुत बड़ा डिफरेंसेस क्या है, हम रिटेलर के पास बहुत लिमिटेड पैसा होता है, किसी के पास 10 10 के है तो किसी के पास 1 लाख है, तो किसी के पास 1 करोड़ है, तो किसी के पास 10 करोड़ या 20 करोड़ ऐसे हो सकता है, ये जो छोटे छोटे अमाउंट है। लेकिन एक जो ऑपरेटर्स होता है ना, उन लोगों पास बहुत पैसा है, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10000 करोड़, ये जो पावर ऑफ मनी है ना, पावर ऑफ मनी ना मार्केट को अपने हिसाब से चलाता है। आप लोगों को पता है ये जो पैसा है ना, किसी भी इंडेक्सेस को अपने हिसाब से आगे पीछे मूव कर सकता है। आप लोग देखते होंगे कई बार हम लोग बाई करते हैं, हम लोग बाई सब, ये चार्ट लगा हुआ है, आप लोग देखिए चार्ट लगा हुआ है, इस चार्ट में आप लोग क्या देख रहे हैं
कि हम लोग को क्या देखा जा रहा है, मार्केट में मोमेंटम क्या है। मार्केट एक दिन देखिए, आप गौर से देखिए मार्केट, यहाँ पर देखिए मार्केट, यहाँ पर आपको एक दिन पहले ये ऊपर की तरफ मार्केट खींचा है 19 तारीख को, 19 तारीख को डेटा में देखिए ये मार्केट ऊपर की तरफ खींचा है। ये देखिए 19 तारीख का डेटा है, मार्केट ऊपर की तरफ खींचा है, 19 तारीख को डेटा है, मार्केट ऊपर की तरफ खींचा है। फिर 20 तारीख को क्या आप देख रहे हैं, मार्केट वहाँ से फॉल हो गया, फॉल हो गया। ये जो कैंडल स्टिक चार्ट, जो डेटा एनालिसिस है, जो हम लोग चार्ट पैटर्न देखते हैं, जो हम लोग RSI देखते हैं, या हम लोग EMA देखते हैं, मूविंग एवरेज देखते हैं, ढेर सारी स्ट्रैटेजी हम लोग सीख चुके हैं इन्फ्लुएंसर से, बार बार यूट्यूबर लोग क्या दिखाते हैं कि इतना इतना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट, लेकिन हम लोगों ने रियली में क्या प्रॉफिट किया है, कि हम लोग रियली में प्रॉफिट करते हैं, तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। तो हम लोग रियली में प्रॉफिट करने के लिए हम लोग सीखना पड़ेगा। अगले 21 को देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे खुला, वहाँ से ऊपर 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 ही चला गया। तो ये जो ऑपरेटर है, कभी मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, कभी मार्केट को नीचे ले जाते हैं, कभी मार्केट को फिर ऊपर ले जाते हैं, ये रोज का रोज आप देख लीजिए डेटा एनालिसिस, रोज का रोज इसमें चेंजेज है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, तो ये हम लोग को कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो मैं आप लोग को डिटेल में इतने सारे पजल, इतने सारे डिफरेंसेस, इतने सारे प्रोसीडर में ले जाऊंगा, मैं सिंपल से बताऊंगा कि हमें ऑपरेटर के साथ, हमें ऑपरेटर के साथ दोस्ती करनी होगी, हमें ऑपरेटर्स को फ्रेंड बनाना होगा, हमें ऑपरेटर्स को फ्रेंड बनाना होगा। तो क्या करना होगा, उनके माइंडसेट को, उनके माइंडसेट को समझना होगा कि ऑपरेटर का माइंडसेट एक्चुअली में होता क्या है, ऑपरेटर कैसे ट्रेड लेते हैं, ऑपरेटर कहाँ ट्रेड लेते हैं, क्या ऑपरेटर इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं, क्या ऑपरेटर इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं कि नहीं, कि ऑपरेटर पोजिशनल ट्रेड लेता है। तो ये चीज़ को समझने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ें बेसिक सी समझनी पड़ेगी, उन सब चीज़ों के विषय में मैं आपको अभी ले चलूँगा, दिखाऊंगा। तो इन सब चीज़ों को समझ के हम लोग ऑपरेटर के बिहेवियर को, ऑपरेटर के माइंडसेट को, ऑपरेटर के ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, ऑपरेटर के ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हम लोग रिवील कर पाएंगे कि एक्चुअली ऑपरेटर क्या सोच के ट्रेड लेता है, ऑपरेटर का इंट्री कैसा होता है, ऑपरेटर का एग्जिट कैसा होता है। जिस दिन हम ऑपरेटर का इंट्री और एग्जिट, उसके ट्रेड लेने के माइंडसेट को, उसके ट्रेडिंग बिहेवियर को, उसके ट्रेड एग्जिट करने के कैलकुलेशन शीट को समझ पाएंगे, देन वी विल गेट द प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तब तक हम लोग, जब तक उसके माइंडसेट को, उसके ट्रेड करने के टेक्निक को नहीं समझते हैं, तब तक हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं हो सकते। तुक्का में तो कोई भी ट्रेडिंग कर लेता है, लेकिन क्या एक्चुअल में मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर क्या प्रॉफिटेबल रहते हैं, ये मैटर करता है कि आप मंथली बेसिस पर, आप ईयरली बेसिस पर क्या आपका PNL प्रॉफिट में है, ग्रीन में है, ये मैटर करता है। तो नए नए जो ट्रेडर होते हैं, जो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आते हैं कि पैसा को हमको अर्न करना है, पैसा अर्न करना है, जल्दी पैसा अर्न करना है, पहले दिन वो 1,00,000 से लेके आते हैं, वो लॉस हो जाएगा, फिर 2,000 लेके आएंगे, वो लॉस हो जाएगा, फिर 2,000 को निकालने के लिए उसको फिर से 5,000 लगाएंगे, ये सोच के कि मैं जो पिछला 3,000 लॉस हुआ उसको कवर करूँ, वो भी लॉस हो जाएगा। इस तरह करते करते सारा मनी वाइप आउट हो जाता है और हम लोग वहाँ पर डिप्रेशन में आ जाते हैं और ट्रेडिंग को एक गेम समझ के, गैम्बलर समझ के, मैंने गेमिंग समझ के छोड़ देते हैं कि नहीं, यहाँ गैम्बिंग होता है, यहाँ पर जुआ होता है, बट ट्रेडिंग जुआ नहीं है, जुआ नहीं है। बस ऑपरेटर के चाल को समझना होगा, ऑपरेटर के ट्रैप सिस्टम को समझना होगा, ऑपरेटर क्या क्या करता है, ऑपरेटर का ट्रैप सिस्टम क्या है, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक चीज़ को एनालिसिस कर लेते हैं, वो जो बहुत जरूरी है ऑपरेटर के चाल को समझने के लिए, वो होता है आप लोग ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली FIs जो सबसे बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, FIs DI, देखिए मैंने FIs DI का डेटा खोल रखा है, आप लोग इसको खोल सकते हैं, कुछ नहीं है, आप लोग जैसे सिंपल मैं खोल रखा, फिर से मैं बैक चला जाता हूँ, मैं आप लोग दिखाता हूँ कैसे मैंने इसको खोला है, सिंपल था, आप इसको खोल सकते हैं FI का डेटा को, मैं अभी जस्ट खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को, ये एक मिनट, ये मैंने ना गूगल में गया, वहाँ पर मैंने टाइप किया, क्या FIDI डेटा, FIDI जैसे टाइप करेंगे ना, वहाँ पर पहला ही आपको दिखाई देगा FIDI बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑन NSE BSE। ये स्टॉक एज है, आप लोग देख लीजिए स्टॉक एज को हम लोग टच करें, इसके मतलब डेटाबेस काफ़ी यूजर फ्रेंडली होता है, इसलिए मैं इसको टच कर रहा हूँ और मैंने उसको क्लिक किया। ये एक डेटा आपके सामने आएगा जो रोज का रोज FI और DI के जो पोजिशन ओपन पोजिशन होते हैं NSE रोज का रोज शाम को हम लोग को मार्केट इन बंद होने के बाद हम लोग को बता देता है कि उसके किस टाइप के पोजीशन है, उस पोजीशन को लोग देख के मार्केट में हम लोग उसके एक्टिविटी को समझ पाएंगे। ये देखिए आपके सामने में FIDI का डेटा खुल गया है जो मैंने अभी स्टॉक एज के थ्रू इसको खोला है। तो यहाँ सिंपली से एक चीज़ को क्या आप लोग आज देखेंगे क्या है इसमें, सबसे बड़ी चीज़ आप लोग देखेंगे इसको देख के आप मार्केट के अगले दिन के एनालिसिस को समझ सकते हैं। ये मार्केट में आप देख लीजिए, सिंपली देखिए क्या है, FI का कैश में क्या सेगमेंट है, लगभग 2,828 रुपये का, 2,828 करोड़, ये करोड़ है, सभी चीज़ करोड़ में, ये लोग छोटे होते ही नहीं इन्वेस्टर, काफ़ी बिग प्लेयर्स होते हैं, दे आर द बिग प्लेयर्स, इनके पास करोड़ों करोड़ होते हैं, 1-2 करोड़ की बात ही मत करिए, 100 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़, मिलियंस ऑफ करोड़ होते हैं, इनके कुछ कैलकुलेशन नहीं। हमारे जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, जो म्यूचुअल फंड एजेंसीज होती है, हम लोग जहाँ पैसा जमा करते हैं SIP के थ्रू, इनके जो हेड क्या होते हैं DIs होते हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं वो लोग होते हैं उसमें बिग प्लेयर होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 21 तारीख को देखिए, 22 तारीख का डेटा ही है, 22 तारीख को क्या किया, 2,166 का उन्होंने बाइंग किया है, कैश में बाइंग किया है। फिर FI ने फ्यूचर में 225 करोड़ का सेल किया है, फिर FI डेटा ऑप्शन में बाई किया है। अब लोग देखिए ऑप्शन में काफ़ी कुछ लॉन्ग पोजीशन बनाया गया है, काफ़ी कुछ लॉन्ग पोजीशन बनाया गया है, FI ने स्टॉक में भी लॉन्ग पोजीशन बनाया है और FI ने स्टॉक के ऑप्शन में भी लॉन्ग पोजीशन बनाया है। इसे क्या मालूम चलता है कि हमारा 22 तारीख को जो
ट्रेडिंग सेटअप था, जो 22 तारीख का ट्रेडिंग सेटअप था, क्लियरली देख लीजिए यहाँ पर बाइंग कितना जबरदस्त हुआ। एक बाइंग, दो बाइंग, तीन बाइंग, चार बाइंग, सिर्फ दो छोटे छोटे सेलिंग्स हुए हैं। यानी हमने ये देख लिया कि ये मोट मोट दो सेलिंग को छोड़ दीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग यहाँ पर आप देखेंगे 28 से 30 हज़ार करोड़, 30 हज़ार करोड़ का इन्होंने बाइंग किया है। तो इससे क्या मालूम चलता है कि हमारा नेक्स्ट जो ट्यूजडे को जो ओपन होगा 26 तारीख को, वो क्या हो सकता है, वो क्लियरली हमारा वहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, वो क्लियरली मार्केट बुलिश हो सकता है, यानी कि यहाँ से हम लोग बुलिश की पोजीशन बना सकते हैं। उसी तरह मार्केट में देखिए, अगर आप देख सकते हैं चार्ट में देख लीजिए हमारा मार्केट किस तरह से यहाँ से बूम किया है। उन्होंने डेटा 30,000 करोड़ का लगभग बाई किया है, यहाँ से देखिए 30,000 करोड़ का बाई करते हैं, 30,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का जो उसने बाई किया है, 30,000 करोड़ का FIDI ने जो बाई किया है, FIDI ने मिलकर बाई किया है, FI+DI इन्होंने जो बाई किया है, उससे मार्केट कहाँ मूवमेंट है, मार्केट एकदम स्मूथली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और हमारा मार्केट यहाँ पर बुलिश है। तो हम लोगों ने एक सीख लिया कि FI और DI के डेटा को देख के हम मार्केट के ट्रेंड के समय जान पाएंगे। आप क्लियरली देख लीजिए 21 तारीख को आप लोग देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा FIDI के डेटा में कि 21 तारीख को कैसे इन्होंने सेल आउट किया है, तभी मार्केट हमारा फॉल हो गया है। तो 21 तारीख डेटा में हम लोग एक बार फिर से चलते हैं और वहाँ हम लोग देखते हैं FI डेटा को 21 तारीख को क्या हुआ है। ये रहा 21 तारीख को डेटा, 20 तारीख, 21 तारीख को डेटा देख लीजिए क्या हुआ है। ये 21 तारीख को डेटा को आप देख लीजिए कितना अच्छा खासा फॉलो है, ये देखिए क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखिए कितना सारा इसमें FI डेटा ने इसमें ये किया है, देख लीजिए एक बार ये FI ने कितना हैंडसम सेलिंग किया है, बहुत सेलिंग किया है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर भी देखिए ये सेलिंग किया है, ये सेलिंग किया है, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि आपको लगभग 23,000 करोड़, लगभग 1,024, 25, 27, 28 हज़ार करोड़ इन्होंने सेल आउट किया है, लगभग 6,000 या 7,000 समथिंग 20,000 करोड़ का सेल आउट किया है, 20,000 करोड़ का इन्होंने सेल आउट किया है। इससे क्या मालूम चल रहा है, 20,000 करोड़ का सेल आउट होने से यह क्लियरली मालूम चल रहा है कि हमारा मार्केट 21 तारीख को कमजोर था। अब यहाँ पर देख लीजिए चार्ट में, देखिए 21 तारीख को मार्केट ने कैसा मूवमेंट किया, ये रहा आपका 21 तारीख का चार्ट, देख लीजिए कैसा मूवमेंट हुआ है 21 तारीख को, ये रहा आपका 21 तारीख का चार्ट, देख लीजिए 21 तारीख का चार्ट है, 21 तारीख का देख लीजिए ये हमारा, देखिए यहाँ पर किस तरह से फॉल हुआ है, मार्केट एकदम फॉल किया है। तो हम लोग यहाँ पर क्लियरली क्या देख लिए कि FI और DI के डेटा के आधार पर हमारा मार्केट फॉल करता है और अच्छा खासा फॉल किया। इससे हम लोग क्या क्लियर मालूम चल गया कि हाँ, इस तरह से होने से हम लोगों को मार्केट में एक हैंडसम मूव मिल सकता है, जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए वो मूव मिल सकता है। तो हम लोगों ने FI DI के डेटा को देख के यह समझने का प्रयास कर लिया कि आखिर इसमें मोमेंटम आते क्यों है, क्यों मार्केट अप डाउन होता है, क्यों मार्केट कैसे रन करता है, FI DI का डेटा वहाँ पर मैटर करता है। अब हम एक चीज और बात कर लेते हैं, इस तरह FI के डेटा का आप रोज का रोज एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए 20 तारीख है, फिर उसके बाद देखिए 19 तारीख है, ये डेटा आपको इस तरह से बराबर मिल जाएगा। आप लोग यहाँ आके चेकआउट कर सकते हैं, FI DI डेटा लिखेंगे वहाँ पर आप देख पाएंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने इससे पहले ही बताया है, वो ऑप्शन चेन को मैंने एक वीडियो में जो ना, जिससे आपने बहुत लाइक और सब्सक्राइब किया है, सो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग उस वीडियो को देखें। जो जिस दोस्तों ने नहीं देखा है ऑप्शन चेन को, कृपया करके देखें, काफ़ी हैंडसम वीडियो है, काफ़ी आप लोगों को जर्नी, काफ़ी आप लोगों का नॉलेज बढ़ने वाला है, उसमें ऐसा कुछ बताया गया जिसमें आपको जानकर आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखें, हमारे 20 तारीख के ये मैं हम लोगों को डाउनलोड करके रखा है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं ऑप्शन चेन में, उसमें आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए हम लोग दोबारा एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन चेन भी हमें चिल्ला के बोलता है कि हमें कहाँ जाना है। देखिए ऑप्शन चेन चिल्ला के बोलता है, क्या बोलता है ऑप्शन चेन, यहाँ गौर से देखिए, ये रहा ऑप्शन चेन को गौर से देखिए, 21,350 पर मार्केट बंद है, क्लियरली 21,350 पर मार्केट बंद है। यहाँ आप लोग OI डेटा, ये जो OI डेटा है ना, ये OI डेटा, यहाँ पर OI डेटा रहता है राइट साइड में, इस OI डेटा को आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट मैं आपको OI डेटा दिखाता हूँ, आप लोग गौर से देखिए इस OI डेटा को, ये OI डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे अधिक ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, सबसे अधिक देखिए आप लोग 1,18,000 पुट में, पुट में ये उधर का पुट है, इधर का कॉल होता है, देखिए यहाँ कॉल लिखा भी हुआ है, कॉल है सी होता है, इधर पुट होता है। तो डिटेल्स में अगर ऑप्शन चेन के विषय में देखना है तो हमारे लास्ट वीडियो में आप लोग देख पाएंगे, वहाँ काफ़ी वो क्लियर दिखेगा। यहाँ देखिए 21,200 का जो प्राइस है ना, उसमें सबसे अधिक ओपन इंटरेस्ट है 1,18,478, फिर उसके बाद देखिए 21,300 को पर मार्केट में 1,08,000 का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। ये कौन सा ओपन इंटरेस्ट है, इसमें पुट राइटर है, पुट राइटर कौन होते हैं, जो मार्केट को ये चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे ना जाए, अगर नीचे चला जाएगा 21,200 के नीचे, 21,300 नीचे जाएगा तो पुट राइटर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये लोग करोड़ों करोड़ रुपए लेके बैठे, हम आपकी तरह हजारों में नहीं लाखों में नहीं बात करते हैं, हम लोग हजारों लाखों में बात नहीं करते हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए कि OI डेटा को गौर से देखिए, OI डेटा को देख के आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे OI डेटा में हम लोग इसको रीड करते हैं। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कॉल की तरफ में, आप लोग कॉल की तरफ में आकर देख लीजिए, ये कॉल की तरफ में वो OI डेटा कहाँ पर सबसे अधिक ओपन इंटरेस्ट है, ये रहा आपको सबसे अधिक ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर देख लीजिए कॉल की तरफ में सबसे अधिक ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, 1,53,000 कहाँ पर है, 21,500 पर। उसके बाद देखिए 1,07,000 ये कहाँ पर है, 21,600 पर। ये क्लियरली मालूम चल जा रहा है कि कॉल राइटर कहाँ कहाँ बैठे हैं, 21,500 पर कॉल राइटर बैठा हुआ है और 21,600 पर भी कॉल राइटर बैठा हुआ है, दबा के बैठा हुआ है एकदम,
पावरफुल तरीके से बैठा है, मतलब मार्केट को 21,500 या 21,600 को एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाकर रखा है कि इसके ऊपर जाने ही नहीं देगा मार्केट को। यहाँ कहाँ पर सपोर्ट है, हम लोग यहाँ पर सपोर्ट है 21,200 पर, 21,300 पर, यानी मार्केट हमारा 21,200 से लेकर 21,600 के बीच में इस पूरे एक्सपायरी जो दिसंबर महीने की एक्सपायरी है उसको मूव करने वाला है। ये हम लोगों ने यहाँ से रिवेल कर लिया कि मार्केट का मोमेंटम कैसा हो सकता है। तो इन सब वाई डेटा को देख के ऑप्शन चेन में हम लोगों ने ये जान पाया कि मार्केट का क्या मोमेंटम है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, वहाँ चल के देख लेते हैं जहाँ हम लोगों ने देखा था ये एफआई डेटा, एफआईडीए के डेटा में हम लोगों ने सीखा। यहाँ से मार्केट मार्केट के मोमेंटम को देख के, मार्केट के पोजिशन को देख के, इसमें जो एफआई डेटा का एफआई और डीआई का डेटा का पोजिशन को देख के हम लोग यहाँ से उसके नेक्स्ट टारगेट के विषय में, नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट होगा मार्केट में क्या व्यूज है, उन लोगों का व्यू देख के हम मार्केट को प्रोजेक्ट अप कर सकते हैं। इन दो चीज़ों को बहुत मायने रखता है मार्केट के ऊपर या नीचे जाने में। अब बात आती है कि हमें अब कहाँ पर पोजीशन बनाना है। तो हमें इस ऑप्शन में, हमें इस ऑप्शन की जर्नी में सबसे बड़ी चीज बात है कि हमको इस ऑपरेटर के साथ रहना है। ऑपरेटर के साथ रहने के लिए ऑपरेटर के चाल को समझना है, ऑपरेटर के साथ रहना है जो मैंने पहले ही बता दिया, ऑपरेटर के चाल को समझना है, और ऑपरेटर की चाल के साथ ही हमें अपनी पोजीशन को क्रिएट करना है। हमें कहीं भी फेक ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करना है। मार्केट में से बहुत सारे फेक ब्रेकआउट है, मार्केट में आपको दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है 19 तारीख ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ से फेक ब्रेकआउट आकर नीचे आ गया, तो हम इस फेक ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं करना है। हमें कहाँ ट्रेड करना है, हमें वहाँ ट्रेड करना है जहाँ ऑपरेटर के चाल को हम लोग समझ पाए, ऑपरेटर के चाल के साथ ही ट्रेड करना है, तभी हमारा जर्नी जैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है। और दोस्तों इस वैल्यूबल वीडियो के साथ आप लोगों ने क्या सीखा नहीं सीखा कृपया करके हमारे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। अगर मुझे कोई कमी हो गई है तो आप लोग जरूर बताएंगे। क्या आप लोग प्राइस एक्शन के थ्रू काम करते हैं कि ऑप्शन चेन के थ्रू काम करते हैं, यानी कि ओआई डेटा के थ्रू काम करते हैं, यानी कि एफआईडीआई डेटा के थ्रू काम करते हैं, आप लोग कैसे काम करते हैं, अपनी आप जर्नी को बताएंगे हमारे कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ से मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सेशन क्रिएट कर पाऊंगा। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।